अब मैं तमाम जो बच्चे हैं उनके जो तहाइफ हैं बेटा वो लेकर आए ताकि उनको तकसीम किए जाएं। आसन बेटा आप अपने हाथों से इनके नाम तकसीम करें। सबसे पहले मैं बच्चियों से दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ वो वन बाय वन स्टेज की तरफ तशरीफ़ लाएं। ये भी माशाल्लाह माशाल्लाह कुरान शरीफ हिफ्ज़ कर रहे हैं। हाँ जी आ जाएं बेटा। माशाल्लाह मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। माशाल्लाह मुबारक हो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हैं जी माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अब इन बच्चों के पीछे भी बहुत बड़े हाथ हैं जिनके बगैर ये बच्चे भी आगे नहीं जा सकते। इनके असातिज़ा करम हम उनके मशकूर हैं कि वो दिन रात इन पर अपनी मेहनत कर रहे हैं। मैं जनाब हाफिज़ अब्दुल गनी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं। हाफिज़ अब्दुल गनी साहब जनाब मैं दरख्वास्त करूंगा हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब। माशाल्लाह बहुत प्यारी किरत भी आपने की। माशाल्लाह और अब मैं उस शख्सियत को दावत दे रहा हूँ जिनके सर ये सारी मस्जिद चल रही है। कहलाते तो वो खादिम हैं लेकिन इनके बगैर ये मस्जिद का सारे काम नहीं हो सकते। मैं जनाब कारी हाशिम साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएं। कारी हाशिम साहब माशाल्लाह ये सब इन की मेहनत का नतीजा है कि उस मस्जिद में अब माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी वालदा साहिबा के नाम पर एक और उस मदरसे का नाम दारुल उलूम बतूल अलवी है और ये सब इन हजरात की मेहनत का नतीजा है कि ये बच्चे और मस्जिद
में इतनी रौनक बनी हुई है। जनाब कारी सफदर साहब भी अपने इस मस्जिद में पूरा हिस्सा डाल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।